नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह, और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 40वां फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप जमशेदपुर में आयोजित, 8 राज्यों के 140 खिलाड़ी कर रहे शिरकत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित एक क्वार्टर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में युवकों को नौकरी के नाम पर ठग रही एक संस्था के लोग धराए वीडियो की शिकायत। और जमशेदपुर के परसुडी में मनोज महतो की पत्नी पर हुए फायरिंग मामले में संतु महतो अरेस्ट, हथियार बरामद। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि जमशेदपुर में 40वें फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन बिस्टुपुर के गोपाल मैदान में किया गया है, जहां पोटका के विधायिका मेनका सरदार द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। वैसे 16 जनवरी तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में 8 राज्यों के 140 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वहीं इस टूर्नामेंट का पहला मैच बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुआ और दूसरा मैच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच खेला जाएगा। वहीं मैच को लेकर जमशेदपुर के खेल प्रेमियों में काफी खुशी है। वैसे इस टूर्नामेंट में अव्वल आई टीम और खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ में होने वाले फाइनल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका मिलेगा, और जो खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में अव्वल आएंगे उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। वहीं पोटका की विधायक मेनका सरदार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खेल को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ महिला फुटबॉलर को भी मौका मिले, इसे लेकर मैं खेल मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करूंगी कि इस खेल की वृहद रूप से आयोजन किया जाए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। हम सब तिरंगे के झंडे के नीचे खड़े होकर इस देश की अखंडता और भाईचारे के लिए ये तो आप कुछ सीमित लोगों को इस बार बुलाया गया, और झारखंड में कई महिला टूर्नामेंट हुआ है, उसमें प्रतियोगिता में हमारे महिला का सूचीबद्ध है। तो निश्चित रूप से जो आज यहाँ आयोजन किया है, इसमें बहुत सारे जो हमारे झारखंड के महिला लोग को मौका नहीं मिला है, तो हम चाहेंगे झारखंड के खेल मंत्री के साथ हमारे मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में 75 नंबर कंपनी क्वार्टर में भीषण आग लग गई, जिस कारण घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जाता है कि कंपनी क्वार्टर में रह रहे रामानंद गुरुवार की सुबह परिवार के साथ मार्केट गए थे, इसी बीच शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई और घर में रखे कुछ सामान जलकर खाक हो गए। वहीं मौके पर दमकल गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस संबंध में क्वार्टर के मालिक रामानंद और सिद्धगोड़ा थाना के एसआई एस कुमार ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। क्या बोलता है, स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक हैं। घटना कैसे हुआ? शॉर्ट सर्किट से हुआ, 11 बजे करीब आज। हाँ। क्या क्या सामान आप लोगों को नुकसान हुआ जल के? बहुत चीज हुआ है, हमारा पोशाक गद्दा सामान सब था, कपड़ा लता। ये आप पे रहते हैं इसमें जी? आप स्वदेशी जागरण मंच में भी है ना? अग्निशामक वाले को बुलाए, उसके बाद जो उनका जो सेवा था वो तो सेवा। पूरा घर जल गया? पूरा नहीं, एक चोर निकला। तो क्या घर में कुछ लोग थे कि नहीं थे? नहीं, कोई नहीं था। उनका कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ रहते। घर बंद था? हाँ, घर बंद। किनका घर है, क्या नाम उनका? उनका रंगलाल नाम है। रामानंद लाल नाम है उन्हें। अगर वहीं अटल ग्रामीण योजना संस्था द्वारा जमशेदपुर के पोटका में ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवक और नवयुवतियों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है।
इस मामले में पोटका के BDO CEO के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को धर दबोचा गया। बताया जा रहा है कि पोटका प्रखंड मुख्यालय के परिसर से नव युवक और युवतियों से संतोष कुमार, गोपाल नायक, अरुण कुमार लोगों से पैसा लेने के लिए आया था। उसी दौरान पोटका BDO ने थाना को सूचित करके पुलिस को बुलाया और उन्हें पकड़वाया। वही संबंध में नव युवक युवतियों ने कहा कि प्रत्येक ग्रुप से 4,700 रुपए लिया गया और कहा गया कि योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाएगा। बढ़िया खबर रही है ना, दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना होगा। किससे सोच हुआ? आज मैं ऑफिस में करीब 11 बजे बैठा था तो कुछ महिलाएं मेरे पास आई कि कुछ लोग आके पैसा कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों से और टीचर के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम से एक संस्था खोली गई है, उनके नाम से पैसा मांगा जा रहा है। मैंने देखा तो प्रथम दृष्टया ये फर्जी प्रतीत हुआ, यहाँ ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर था और ना लोकल कहीं का ऑफिस का एड्रेस था, यूपी का एड्रेस था और बिहार में सिवान के का एड्रेस था। अटलगंज में संस्कार से आए हुए लोग थे और फिर वही बोले हैं नौकरी देंगे बोल के, और फिर अभी सब ये सब फंसा का अभी यही सब कोई बोल रहा कि ये सब नहीं चलेगा बोल के, 4,000 रुपया ले लिए, 4,000 सिर्फ बच्चा लोग से और हम लोगों का 700 वो जो फॉर्म दिया उसका। आप कितना पैसा दिए टोटल? 4,700। क्या बोला था आपको? हमको ये बोला गया था ना कि जब लिए फॉर्म तब बोला कि 4,000 तुम लोगों को देना है और जो फर्स्ट वाला फॉर्म दिया था उसका 700। क्या बोल के लिया था आप लोगों को? यही बच्चे लोगों को पढ़ाना है। और जमशेदपुर में परसुडी पुलिस ने विगत दिनों हुए मनोज महतो की पत्नी पर फायरिंग मामले में संतु महतो की गिरफ्तारी की है। साथ ही सोनू मिश्रा हत्याकांड व मन्ना महतो पर हुए फायरिंग मामले में प्रयुक्त हथियार व 2 स्कूटी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। विगत 28 नवंबर को कितड़ी तालाब बस्ती के निकट मनोज महतो की पत्नी सुनीता महतो के ऊपर अपराधियों ने फायरिंग की थी। इस मामले में फरार चल रहे अभियुक्त संतू महतो को पुलिस ने ट्रैफिक कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विगत 22 अक्टूबर को कितड़ी के गुरुद्वारा बस्ती में मन्ना महतो पर हवाई फायरिंग की गई थी। इस मामले में फरार चल रहे अजीत साहू और पोपो मुंडा ने मान्य न्यायालय में खुद को सरेंडर कर दिया, जहां कितड़ी पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लिया है, जहां इनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, साथ ही मन्ना महतो पर फायरिंग में प्रयोग 2 स्कूटी को भी बरामद किया है। बता दें मन्ना महतो पर जिस पिस्टल से फायरिंग की गई थी उसी पिस्टल से सोनू मिश्रा की हत्या की गई है। वहीं विधि व्यवस्था DSP आलोक रंजन के ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जुआ में हारे गए लोगों से अजीत व पोपो मुंडा के द्वारा स्कूटी बंधक रख ली जाती थी, उसके बाद इन वाहनों से अपराधी घटनाओं को अंजाम देते थे। सुनीता कुमारी लिखा है। हुआ था फायरिंग? फायरिंग वाला कब हुआ था? 2 केस जो है सुनीता वाला कब हुआ था? कितनी तारीख को? 28/11 को। कल रात्रि में परसुडी पुलिस के द्वारा 28 नवंबर को मनोज महतो की पत्नी सुनीता महतो के ऊपर कितड़ी बस्ती में हवाई फायरिंग किया गया था उसे डराने धमकाने के लिए। तो उसके एक अभियुक्त, जिसमें टोटल कुल 5 अभियुक्त थे, उसमें से एक संतू को कल हिरासत में लिया गया बागबेरा से वहाँ से। इसके अतिरिक्त परसुडी पुलिस के द्वारा पोपो मुंडा एवं अजीत साहू को भी रिमांड पे लिया गया है। ये दोनों मन्ना महतो के ऊपर फायरिंग में भी सम्मिलित थे और पोपो मुंडा के निशानदेही पे एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली 7.65 mm का और 2 स्कूटी भी बरामद किया है। वहीं कपाली चौक स्थित न्यू निशा मेडिकल दुकान में कपाली OP और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नशीली दवाएं जब्त की। इस संबंध में जानकारी देते हुए कपाली OP प्रभारी प्रेम पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि जब्त नशीली दवाइयों और ड्रग्स को इंस्पेक्टर जाँच के लिए ले गए हैं, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। OP प्रभारी ने कहा बीफ की बिक्री और नशाखोरी दवाइयों की बिक्री के खिलाफ पुलिसिया मुहिम जारी रहेगी।
ले जाओ उधर ले। दस टेबलेट लाए? नहीं नहीं, ये अंजोला में सर। ठीक है, ये भी लाए थे ना आप? हाँ। नशाखोरी, ये 10 टैबलेट और ब्लू टैबलेट दुकानें सब बेच रही हैं मेडिकल वाली, तो वो थोड़ा हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है कि जब तक डॉक्टर इंस्पेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमारे साथ, तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो हमने CS से बात कर लिया है, वो बोले हैं कि जब भी आपको जरूरत हो तुरंत हमको खबर कीजिए और पूरी टीम आपको सहयोग करेगी और कपाली क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है। छापामारी की गई शाहिद परवेज के दुकान में, मेडिकल दुकान में, निशा मेडिकल दुकान है उनका, और भारी मात्रा में अवैध तरह से रखे गए नशा की टैबलेट जब्त किया गया, जो ड्रग इंस्पेक्टर लेकर के गए हैं। CS के यहाँ पुटअप होगा और CS के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एशिया भवन में NSIC द्वारा छोटे और मंझोले उद्योगों को NSIC की योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से एशिया भवन में NSIC द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत छोटे उद्यमियों को जानकारी देने के साथ साथ जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराई जा रही है। आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन 30 उद्यमियों ने NSIC के सिंगल पॉइंट में रजिस्ट्रेशन कराया। इस मौके पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ सर्टिफिकेट भी NSIC द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों को पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि NSIC द्वारा छोटे मध्यम और मझोले उद्योगों को सरकारी संस्थान से जोड़ने और उनके बदले टेंडर कर उद्योगों को काम दिलाने की पहल की जाती है, जबकि इस पॉलिसी के तहत छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को सरकारी संस्थानों में 25% की ही कार्यों में हिस्सेदारी भी सुनिश्चित कराई जाती है। आयोजित कार्यक्रम के मौके पर मुख्य रूप से NSIC जमशेदपुर ब्रांच के हेड BK मित्रा उद्यमी संगठन एशिया के उपाध्यक्ष राजीव रंजन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हम लोग अपने जो इतने उद्यमी लोग हैं उनसे बताना चाह रहे हैं कि आज हम लोग टाटा ग्रुप से काम करते हैं, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कॉस्ट कम्पिटेटिव है, लेकिन आज के दिन में PSU से पब्लिक सेक्टर यूनिट से हम लोग का काम कम होता है, रेलवे है, डिफेंस है। आज 19-20 दिसंबर में इतना बड़ा एग्जीबिशन लगा, उसको देखने के बाद रेलवे के लोग को भी लगा कि यहाँ के इंडस्ट्री में क्षमता है, हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए NSIC का रजिस्ट्रेशन आने से बहुत सारे बेनिफिट्स जो है SSI यूनिट्स को मिलेंगे। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के पोटका के टांगराइन गांव के जंगलों में आदिम जनजाति समुदाय के परिवारों के बीच नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया और बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्था की ओर से कपड़ों का वितरण किया गया। इन कपड़ों को पाकर परिवार के सदस्यों के चेहरे खिल उठे। वहीं नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मयंक अंजनी और बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्था के संरक्षक सदन ठाकुर ने अपने द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य के संबंध में कहा कि उनका उद्देश्य है कि आदमी जनजाति को बचाना और सरकार को इनकी समस्याओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा है कि आज कपड़े देकर इन्हें थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो
उधर जाओ वो दिखे बच्चा छोटा लग रहा एक छोटा बच्चा इधर है उतना छोटा नहीं कब सदन जी देखिए हम लोग आज ऐसे लोगों के बीच आए हैं जो इस समाज से समझिए विलुप्त के कगार पे है। तो सरकार को पहल करना चाहिए, जो सरकार की पहल होना चाहिए जो इसको जोड़ के एक साथ रखा जाए, वो पहल अधूरा लग रहा हमको, सरकार इसको जोड़ नहीं पा रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जोड़ा जाए, तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज आए हैं इस बस्ती में। कुछ कपड़ा उपड़ा बच्चों को लिए लेके आए थे, महिलाओं के लिए के आए थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसको बांट रहे हैं ताकि इसको कुछ ठंडा ना लगे। और सरकार के पास भी इसमें हमारा मेन मकसद है कि इनका जो समस्या है उसको सरकार के पास ले जाने का, यही हमारा आज मकसद था, इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ आए। आज हम लोग यहाँ नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी की तरफ से आए हैं। यहाँ हम लोग विलुप्त होती जातियों को संरक्षण देने आए हैं, उनको बचाने आए हैं। ये लोग गरीबी स्तर से भी नीचे रेखा पे चल रहे हैं, इनके पास रहने के लिए कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग एकदम जंगल के किनारे रहते हैं और ये लोगों को हम लोग चाहते हैं कि ये लोग अब आगे भी हमारे समाज के लिए रहे, लोग इनको आगे भी जाने। ये लोग धीरे धीरे हमारे समाज से विलुप्त होते जा रहे हैं, कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं इतना दूर जंगल में और चाहते हैं कि इन लोग को बचाया जाए, इन लोग को संरक्षण दिया जाए। साथ ही जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय स्थित पंचायत भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आहूत की गई, जिसमें क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए संस्था के रजनीश ने मीडिया को बताया कि मेला प्रदर्शनी जमशेदपुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मेला 15 जनवरी से 10 फरवरी तक रहेगा तथा मेले में 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। कैसा रहा पहले 3 साल का रिस्पॉन्स? जी आम बगान में हम लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा मिला, लेकिन गणेश पूजा में उम्मीद रखते हैं कि ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए गणेश पूजा में मेरा स्टॉल तो पूरा उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिले, यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स। आगामी 15 जनवरी से 10 फरवरी तक गणेश पूजा एग्जीबिशन ग्राउंड कदमा में श्री कृष्णा हथकरघा हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो 2019 का आगाज होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के स्टॉल्स आएंगे। यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारा प्रोग्राम किया जाएगा, यहाँ पर खाने पीने के व्यंजन परोसे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ के जमशेदपुर पब्लिक इसका लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग और एंट्री दोनों निःशुल्क है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है और इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा रखी गई है। कब है ये? आपको 15 जनवरी को। वही दूसरी ओर सरायकेला जिले के राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त हुआ। लगातार समय समय पर इस तरह की बैठक का आयोजन पंचायत भवन में किया जाता है ताकि क्षेत्र में विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को गति दिए जाने तथा उन्हें समय सीमा के तहत पूरा किए जाने पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान समिति के सदस्यों ने कई समस्याओं से प्रखंड के पदाधिकारियों को अवगत कराया, जिसके समाधान का भरोसा उन्होंने सभी को दिया। आपको तो वही सकते हैं, हर मंथ हम लोग बैठते हैं पंचायत समिति का बैठक है जनरली, जिसमें हम लोग पंचायत समिति को यहाँ के अपडेट्स का जो भी डेवलपमेंट का होता है या इनके सब तरफ से जो सवाल होता है वो हमारे गवर्नमेंट के कई सारे लाइन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे समिति सदस्य के जो माननीय सदस्य का जो भी सवाल है उसके सवाल का हम लोग जवाब देते हैं। आज वही चल रहा है, रेगुलर प्रोसेस है। वहीं दूसरी ओर भादुरी ग्राम निवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल का विलय नहीं करने के संबंध में डीसी से भेंट कर मांग पत्र सौंपा। इस 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में 4 पंचायत रापचा, बांधडी, कृष्णापुर तथा छोटा दावना पंचायत के जल सहैया स्वच्छताग्राही प्रखंड समन्वयक, पीआरआई मेंबर तथा जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। प्रशिक्षण के दौरान 4 प्रशिक्षकों द्वारा गांव को स्वच्छ रखने, शौचालय की स्वच्छता जैसे स्वच्छता के भिन्न भिन्न पैमानों में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्हें यह आह्वान किया गया कि वे क्षेत्र में जाकर लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें।
वार्ड में। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? अरे अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक महीने से चली आ रही सदस्यता अभियान 10 जनवरी को समाप्त हो गई। डीसी को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि भादोडी के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। सभी ग्रामवासी आदिवासी हैं और सभी दैनिक मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं और प्रस्तावित स्कूल विलय से बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इधर ग्रामीण महावीर मुर्मू ने बताया कि विलय की स्थिति में भादोडी गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। वहीं स्कूल का विलय नहीं कराने का आग्रह डीसी से किया गया है। छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल का दूर दूर बहुत 10-8 किलोमीटर में है, जो स्कूल जो उसको विलय का स्कूल दे रहे हैं, हम लोग को बहुत दूर पड़ती है। छोटे छोटे दूर है स्कूल, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 5 से तो कम कोई भी स्कूल नहीं है जिसको इस स्कूल पर इसको ये किया जा रहा है। और जो गांव भादोडी से आए हैं, स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय भादोडी, और हम लोग आए हैं एक जो स्कूल विलय जो अभी चल रही है और हमारे स्कूल भी नामित है और इसके लिए हमें चिंता लगी हुई है। प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जहां जहां स्कूल में इसको विलय किया जा रहा है, जहां जहां स्कूल नामित है हमारे स्कूल को विलय किया जा रहा है। तकरीबन 5 किलोमीटर से कोई भी नज़दीक नहीं है, उससे अधिक है, 6 है 8 है, इतना दूर दूर है। चापड़ी है, बनकाटी है, बिनासोल है। तो इसको देखते हुए हम लोग में जो गरीब आदमी है सभी खटके रोज मर्रा कमाने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक महीने से चली आ रही सदस्यता अभियान 10 जनवरी को समाप्त हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन ने मीडिया को बताया कि 10 दिसंबर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक यानी पूरे एक महीने पूर्वी सिंहभूम जिले में सदस्यता अभियान चलाया गया और जिले में 2 लाख पार्टी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम तक सदस्यता रसीद जमा करने को कहा गया है। जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी कि जनवरी को पार्टी सुप्रीमो सिब्बू सोरेन एवं दिवंगत सांसद सुनील महतो का जन्मदिन है। प्रखंड स्तर पर समारोह आयोजित कर केक काटकर जन्मदिन मनाने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया है। हम लोग को विगत 10 दिसंबर से जो अभियान शुरू हुआ है, अभी 10 दिसंबर 2019 जिला में 1,08,000 हम लोग सदस्यता फॉर्म हम लोग लिए थे। जिला में सभी प्रखंड से उसका आदिकर्ती जमा का हमको मिल जाएगा कल। पिछले दिन हमारे सेंट्रल कार्यकारिणी समिति का बैठक में निर्णय लिया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 10 दिसंबर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक एक महीना सदस्यता बनाओ अभियान चलाएगी, जिस पर सभी जिला को टारगेट दिया गया था, जिसमें से हमारा जिला को भी 2 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया था। लेकिन आज हमारा जिला को 1,08,000 सदस्यता फॉर्म मिला था, जिसमें 1,08,000 सदस्यता फॉर्म को पूरे जिला में, नगर में, नगर पालिका में, पंचायत में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बांट दिए हैं।
साथ ही सिद्धगुड़ा स्थित डेफोडिल्स स्कूल कॉलेज का 28वां वार्षिक खेल एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित किया गया। स्कूल के 250 बच्चों ने स्पोर्ट्स में उम्दा प्रदर्शन किया। इधर स्कूल के डायरेक्टर मिथिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि पढ़ाई के साथ खेल भी बच्चों के लिए जरूरी है। आज प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पे आ रहा है ये जोड़ी फर्स्ट। संदेश नहीं बल्कि सीखने के लिए अपने पढ़ाई के क्षणों में से कुछ क्षण निकालकर अपनी तैयारी से या जी सर आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज विद्यालय का 28वां वार्षिक उत्सव प्रोग्राम था। प्रत्येक वर्ष हम लोग विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं। मेरा यह मानना है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे को अपने जीवन में शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क अगर होगा तभी वो स्वस्थ उसमें बुद्धि होगा और तभी वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए यह मानते हुए विद्यालय प्रत्येक वर्ष एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन करता है और उसी कड़ी में आज का ये आयोजन है। मैं आप सभी के माध्यम से तमाम शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही यह कामना करता हूं कि यह वर्ष हमारे लौह नगरी के लोगों के लिए, हमारे झारखंड के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हो और उसमें वो हर मुकाम को पाएं। धन्यवाद। और भारतीय जनता युवा मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला कमेटी द्वारा आगामी मिशन 2019 को लेकर अब युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। बीते दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मार्गदर्शन में विजय लक्ष्य 2019 के तहत आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद अब भाजुमो जिला कमेटी द्वारा 18 से 35 वर्ष आयु के युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़कर भाजपा को मजबूती प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया है। आगामी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत युवा आइकॉन कैंपस एम्बेसडर पहला वोट मोदी को संकल्प अभियान, कमल कप खेल प्रतियोगिता और युवा सम्मेलन कार्यक्रम किए जाएंगे। इस विजय लक्ष्य 2019 के तहत युवा वर्ग को एकजुट करने की भी कवायद की जाएगी। December 16 को विगत दिनों दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे देश से सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री और अध्यक्ष उपस्थित हुए थे। उसमें माननीय अमित शाह जी ने ये दिशा निर्देश दिया कि 2019 में कैसे हम लोग फिर से पुनः प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं, उसमें युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना है और उसका हम लोग को बहुत सारा कार्यक्रम दिए हैं जो कि जिससे कि 18 से 23 वर्ष के युवाओं को हम लोग जोड़ सके। उसी के निमित्त आज एक बैठक भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सरायकेला खरसावां जिला उपाध्यक्ष राजू सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई। दूसरी ओर जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में व्याप्त जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आजसू पार्टी द्वारा गांधीवाद तरीके से जुगसलाई नगर पालिका में प्रदर्शन किया गया। साथ ही विशेष पदाधिकारी से इन समस्याओं के निपटारे की मांग भी की गई। क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में आजसू कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से हाथों में गुलाब फूल लेकर अपनी मांगों को नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी के समक्ष रखा। इस दौरान इन्होंने विशेष पदाधिकारी को गुलाब का फूल देते हुए उनसे समस्याओं के निपटारे की मांग की। इस बाबत मीडिया से बात करते हुए विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न है। साथ ही कई सड़कों का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन उनका कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने विशेष पदाधिकारी से इन मांगों पर जल्द समाधान की मांग की है। नगर पालिका अपने मांग को लेकर सर बहुत दिन से मांग रहे हम लोग हैं, जैसे कि जुगसलाई कई वर्ष पूर्व हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जुगसलाई काली मंदिर के पास से प्रदीप मिश्रा चौक तक पाइपलाइन ही पीछा नहीं हुआ है, जो हम लोग इसके पहले भी मांग कर चुके हैं, आंदोलन किए हैं, हालांकि अभी तक भी धरातल पर नहीं उतरा वो मांग और अच्छा रहे। इसके बाद चौथा नंबर आपका है जुगसलाई चौक बाजार बैंक ऑफ इंडिया के पास
डस्टबिन लगा हुआ था, लेकिन उसको किसी कारणवश वहाँ से हटा दिया गया, इसके चलते वहाँ रोड में गंदगी दिख रहा है। हम लोग मांग किया कि पुनः वहाँ पर डस्टबिन लगाया जाए और गंदगी से निजात दिलाया जाए आसपास के जितने दुकानदार हैं। कार्यपालक से भी क्या वार्ता हुई है? और जमशेदपुर महानगर भाजपा द्वारा सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% के आरक्षण दिए जाने की खुशी में लड्डू वितरण किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने राहगीरों के बीच लड्डू वितरण कर अपने खुशी का इजहार किया। बता दें कि इस बिल को देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पेश किया था, जहां से इसे बहुमत से पारित कर दिया गया है। इसके बाद राज्यसभा में भी इसे बहुमत हासिल हो गया है। इस बिल में आर्थिक आधार पर स्वर्णों को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसकी खुशी देश भर में मनाई जा रही है। जमशेदपुर महानगर भाजपा ने भी इसकी खुशी लड्डू वितरण कर मनाई। इस दौरान भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने राहगीरों के बीच लड्डू वितरण कर अपने खुशी का इजहार किया। महानगर भाजपा उपाध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है और पूरे देशवासियों ने इसका स्वागत किया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों का विकास संभव होगा। अरे यार क्या कर रहा है? जमशेदपुर महानगर स्वर्णों को जो आरक्षण 10% आरक्षण मिला आर्थिक आधार पे, उसकी खुशी जाहिर करते हुए आज लड्डू वितरण का कार्यक्रम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर माननीय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी इसके सभी वरिष्ठ नेताओं को साधुवाद धन्यवाद देना चाहेगी, जो इस तरह का सराहनीय कार्य करते हुए समाज में सभी वर्गों के लिए समान ढंग से आरक्षण का जो लाभ दिया है। साथ ही जमशेदपुर के खास महल स्थित सौकत खान बिल्डिंग में अल्दुर्वेश नामक मैन पावर कंसल्टिंग का शुभारंभ गुरुवार को जुगसलाई विधायक रामचंद्र सहीस ने फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य रूप से विधायक रामचंद्र सहीस के साथ कंसल्टेंसी के प्रमुख मोहम्मद सलीम अशरफी उपस्थित रहे। इनके साथ स्थानीय कई जनप्रतिनिधि और सम्मानित लोग भी मौजूद रहे। इस कंसल्टेंसी के जरिए शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर विदेशी कंपनियों में नौकरी का अवसर दिलाया जाएगा। बहुत सारा बेरोजी दारे वालों को रोजी मिलेगा। हमारा मकसद तो ये हमारा 35 ईयर्स हो गया हमारे लाइसेंस का, इसके लिए हमारा भाई लोग के लिए भी साथ देने के लिए था। हम 35 ईयर्स हो गए लाइन में, बहुत सारा कंपनी से हमारा जो हम लोग कंपनी का काम करते हैं, बाकी प्राइवेट ये नहीं करते। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 40वां फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप जमशेदपुर में आयोजित, 8 राज्यों के 140 खिलाड़ी कर रहे शिरकत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित एक क्वार्टर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में युवकों को नौकरी के नाम पर ठग रही एक संस्था के लोग धराए वीडियो ने की शिकायत। और जमशेदपुर के परसुड़ी में मनोज महतो की पत्नी पर हुए फायरिंग मामले में संतु महतो अरेस्ट, हथियार बरामद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।